हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस जो आपको इतनी बड़ी मशीन दिख रही है मेरे बगल में, ये है अगारो कंपनी तरफ से अगारो अल्फा हाई प्रेशर वॉशर, प्रेशर वॉशर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार ये मल्टीपर्पज है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपकी जैसे कार है, बाइक है, या फिर आपको इंडोर में सफाई करनी है, आउटडोर में सफाई करनी है, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है यार। इसको मैं पिछले कुछ दिनों से इसको यूज कर रहा था, वाकई में मैं बहुत ज्यादा यार इससे इंप्रेस हो गया। बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं यार, और सबसे बेस्ट चीज ये है कि यार इसकी जो क्वालिटी है वॉशिंग की वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसीलिए मैं आपको लगा कि यार मुझे आपको इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। और चलिए आज इसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा, अनबॉक्सिंग सब कुछ बताएंगे, क्या क्या चीजें और कितने रुपए का कैसा मिलता है और लेना चाहिए लेना चाहिए आपको, ये सब कुछ बताएंगे। चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हो। आप सभी को पता क्या करना है, क्या करना है पता है ना, चैनल जाके अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यार आपको एक सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देने नहीं होते, पता है जब चैनल सब्सक्राइब करते हो। आजकल वीडियो एक यूट्यूब एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं ले रहा यार, जाकर के जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करते, क्योंकि यार मेहनत लगती है ऐसी चीजें बनाने में, ऐसी चीज लाते हैं, अनबॉक्स करते हैं, आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से बता पाते हैं। इसलिए जाइए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो गाइस, अब आपको पता है ये है कुछ बॉक्स एगारो अल्फा हाई प्रेशर वॉशर का। इसको चलिए आपको अनबॉक्स करते हैं, और देखिए इसके अंदर क्या है ना कि काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, मतलब लगभग आपके 7 to 8 पार्ट्स हैं इसके लगभग, और एक दो पार्ट्स और एक्स्ट्रा ही हैं स्क्रू गेज लेकर के, तो वो सारे पार्ट्स हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे अनबॉक्स करके नहीं दिखा पाऊंगा इस तरीके से। तो इस बॉक्स को मैं रखता हूँ नीचे और निकाल के आपको सारी चीज़ें दिखाता जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, ये भी बहुत ध्यान से आप देखिएगा। चलिए आपको जल्दी से अनबॉक्स दिखाया जाए। हाँ तो गाइस बॉक्स के अंदर क्या, उसके पहले आपको दिखा दे, इसके साथ आपको एक जो है यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड मिल जाता है अगर आप जो है नहीं समझा लिया। हालांकि वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है, हालांकि तो ये आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है। और ये वारंटी कार्ड में सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें देखिए पीछे लिखा आप 6 मंथ की वारंटी भी बढ़ा सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन इसका कर देते हो तो। और ये आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है, यूजर मैनुअल, और यूजर मैनुअल पीछे ही आपको एक पिन लगी हुई मिलती है, ये कुछ पिन लगी मिलती है जो आपको नोजल वोजल साफ करने के लिए मिली हुई है। आप इसको जब कभी जैसे आपके घर में अगर जैसे बालू वालू आती है तो आपको साफ करना, तो वहाँ पे इसको बहुत आसानी से साफ करते हो। अब चलिए आगे दिखाया जाए। हाँ तो भाई जो सबसे पहली चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, तो उसके अंदर ये मिलती है, ये फॉर्म बॉटल है, और ये फॉर्म बॉटल आपको 350 ml की मिल जाती है फॉर्म बॉटल। इसके अंदर आप पूरा फॉर्म भर सकते हो, कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करके आप इसको खोलिए, और इसके अंदर बॉटल में आप जो है फॉर्म, मतलब कि आप शैम्पू या फिर जो है जो भी डिटर्जेंट भरते हो उसको भरिए, उसके बाद इसको जो है वाटर से आप इसको फिल कर दीजिए। ये कुछ इस तरीके से फॉर्म बॉटल काम करती है, इसके अंदर भर सकते हैं आप इसको। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ गाइस आपको मिल जाती है, ये आपको बकेट फिल्टर मिल जाता है। बकेट फिल्टर का मतलब ये होता है गाइस कि मतलब बकेट के अंदर आप इसको इसमें पीछे पाइप लगेगा, और पाइप लगने के बाद ये बकेट फिल्टर जो है आप इसको जो है बकेट के अंदर डाल दीजिए, और ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। मान लीजिए जैसे कि आपके घर में अगर बालू वालू आती है तो उसको फिल्टर करता है डायरेक्टली, मशीन को आपको इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ तो गाइस और आगे अगर बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहले देखिए आपको ये इनलेट कनेक्टर मिल रहा है, उसके बाद आपको गाइस साथ साथ में ये आपको इनलेट फिल्टर मिल रहा है। ये कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्ट हो जाता है, और बहुत आसानी से बस इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये आपको टैप कनेक्टर मिला है, टैप में आपको जो जिससे आप जो है पानी जाएगा जो है जो वॉशर के अंदर वो इस टैप में लगाना होगा आपको, या फिर आपको ये बकेट फिल्टर मिल रहा है, मतलब ये दोनों में से कोई आपको एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास जो है टैप आसपास नहीं है कहीं पे जहाँ पे आपको कार वॉश करनी है या फिर जो भी चीज़ वॉश करनी है, बस आपको पाइप को इसमें लगाना है, वो आपको मैं आगे दिखा दूंगा, और आपको इसको बकेट के अंदर डाल देना, और ये चीज़ आपको टैप में लगानी है अगर टैप आपके आसपास हो, या फिर आप जो है पाइप को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। हाँ तो गाइस और आगे बात की जाए, तो आपको साथ साथ में ये देखिए एक्सटेंशन रॉड मिल जाती है, ये आपको स्प्रे गन मिल जाती है, एक्सटेंशन रॉड स्प्रे रॉड जो है स्प्रे गन के अंदर ही लग जाती है, आपको कुछ इस तरीके से लगा सकते हो एक्सटेंशन रॉड को। और उसके बाद आपको जो है ये टर्बो नोजल मिल जाता है, टर्बो नोजल को इसके आगे कुछ इस तरीके से लगा सकते हो आप, बस आपने लगाया कुछ इस तरीके से और आपकी गन ये बिल्कुल रेडी हो गई यूज़ करने के लिए। कुछ आप बस लिखिए बिल्कुल गन टाइप का लुक आ रहा है, बहुत प्यारा लुक लगता है यार, मतलब आप बिल्कुल एक क्लिक में इसको जो है कहीं से भी कहीं निकाल सकते हो लगा सकते हो। और उसके बाद आपको ये एक चीज़ और मिल जाती है, एडजस्टेबल नोजल मिल जाता है, मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या यूज़ करना है, एडजस्टेबल नोजल यूज़ करना है या फिर आप इसको यूज़ करना है। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, ये जो दोनों चीज़ें हैं आप इसमें से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको जो है सफाई करनी हो, उस समय में आपको मान लीजिए जो है कार में साफ करना है तो ये जो है एडजस्टेबल नोजल है, इसको आप स्प्रे मार सकते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हो काफ़ी तेज़ प्रेशर के लिए। और इसका काम क्या होता है, ये टर्बो नोजल होता है, टर्बो नोजल का काम क्या होता है, जैसे आपको सरफेस साफ करना उस जगह पर ये टर्बो नोजल काफ़ी ज़्यादा काम आता है, काफ़ी अच्छी तरीके से साफ करता है ये। हाँ तो गाइस अब आपको दिखाते हैं मेन मशीन जो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और जो बॉक्स के अंदर से आपको मैं सीधे निकाल के दिखाना चाहूँगा, ये अभी कनेक्ट नहीं है कोई अच्छी तरीके से, तो ये देखिए ये है मेन मशीन, ये आपको मैं दिखाता हूँ। इसके पीछे देखिए साइड में ये दो व्हील्स लगे हुए हैं,
ये देखिए पीछे साइड में आप देख सकते हो दो व्हील्स लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, आप इसको यूज कर सकते हो। और ये आपको इसके साथ वायर मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा मजबूत और 5 मीटर की टोटल आपको वायर मिल जाती है। ये मैंने पहले से एडजस्ट कर रखा है क्योंकि वायर इसमें जो है लगे रहे तो अच्छा लगेगा देखने में। ये आपको अलग से लगा हुआ नहीं मिलता, आपको लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको ऊपर से नीचे जो है फिट करना है और ये अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। ये वायर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दीजिए और इस तरीके का कुछ मशीन का मेन लुक है जो आप वीडियो के शुरुआत में ही कुछ देख चुके हो। ये कनेक्टर कुछ किस तरीके से रखते हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहीं पे। ये देखिए जैसे ये है मशीन ऐसे रखी हुई है, बस आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा देना है और बस ये कनेक्टर लग गया। और आपको इसके पीछे एक स्क्रू गेज मिलता है, स्क्रू गेज आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये स्क्रू है, इसके अंदर आपको सारे स्क्रू मिल जाते हैं, ऐसे 2 पैकेट आपको मिलते हैं। 2 पैकेट के लिए क्या क्या काम है, जैसे ये आपको जो है एक ये चीज़ कनेक्ट होगी फॉर्म बॉटल के लिए। फॉर्म बॉटल जैसे ये जो फॉर्म बॉटल है आपको मैं दिखाता हूँ, ये फॉर्म बॉटल है तो इसके पीछे कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी और ये इस बैक साइड में, इसके बैक साइड में जाकर के लग जाएगी। ठीक है, ये चीज़ तो ये हो गई। और लेकिन अगर आपको साथ साथ में जो है क्योंकि इसके इनलेट पाइप भी मिलती है उसके लिए ये आपको कनेक्टर मिलता है। अब ये है आपके लिए आउटलेट पाइप, जो टोटल आपको 8 मीटर की आउटलेट पाइप मिल जाती है और जो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी मजबूत बनाएगी। लोहा लाट चीज़ जो होती है ना वैसे बिल्कुल इसको इस तरीके से बनाया गया है। ये है गाइज वो इनलेट पाइप जो है जो इसके अंदर बैक साइड में लगेगी, जिसके आप टैप से कनेक्ट करोगे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें इसमें लगती है। मान लीजिए जैसे कि आपको बकेट से कनेक्ट करना है, मैं आपको कुछ यहीं पे दिखाना चाहूँगा। जैसे आपको बकेट से कनेक्ट करना है तो बस आपको इसको लगा देना है और इसको बकेट के अंदर डाल देना है। ठीक है, अगर आपको बकेट से नहीं कनेक्ट करना है, डायरेक्टली टैप से कनेक्ट करना है आपके घर में, तो आप टैप से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से इसको खोलिए, इस तरीके से बैक साइड से इसको खोलिए आप बहुत आसानी से। और इसको इसके बैक साइड में सबसे पहले इसको लगाना होगा पाइप के पीछे और इसको बस इसके पीछे आराम से लगा दीजिए। इसको लगा करके ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और कनेक्ट करने के बाद बस ये कुछ आप इसको टाइट करोगे ना तो ऐसे अभी निकल रहा है, जब टाइट करोगे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से लग जाएगा और निकलेगा नहीं बाहर। तो ये सब चीज़ें तो आपको गैस मैंने यहाँ पे दिखा दी हैं। अब इसको फिट कैसे करना है ये सब चीज़ें चलिए आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइस अब इसको कनेक्ट कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए। उसके आगे बस ये जो इसके साथ आपको टोटल 8 स्क्रू सिस्टम मिलते हैं, 8 स्क्रू जो सिस्टम मिलते हैं, सबसे पहले आप स्क्रू लीजिए। अब जैसे ये जो फिट है ना इसके पीछे आपको यहाँ पे होल मिलेगा, ये आपको मैं कुछ बैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ होल मिलेगा, बस आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके से ले जाना है और बस ऐसे घुमाते चले जाइए, बहुत आसानी से ये टाइट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत आसानी तरीके से आप इसको फिट कर सकते हो। वैसे साथ साथ में जैसे जो आपको जैसे जो इनलेट पाइप है उसको आप पीछे साइड में लगाओगे तो पीछे साइड के लिए आपको ये छोटे छोटे 2 स्क्रू मिलते हैं, आपको छोटे छोटे 2 स्क्रू इसमें कुछ इस तरीके से लगाना है और बस आपको इसमें इस तरीके से कुछ लगा देना है। इस तरीके से कुछ इसमें फिट हो जाएगा, सॉरी पीछे से लगेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा और आपको बस स्क्रू ड्राइवर से इसको कुछ इस तरीके से टाइट कर देना है और बस ये लग गया। या ऐसे ऐसे 2 स्क्रू लगेंगे इसके अंदर और बहुत आसान तरीका है लगाने का यार। मतलब देखिए ये 2 स्क्रू हमने यहाँ पे लगा दिए, बहुत आसानी से आप लगा सकते हो स्क्रू ड्राइवर के थ्रू भी। और साथ साथ में जो स्प्रे गन है उसको जो है हैंडल करने के लिए ये दिए गए हैं, आपको बस इसको साइड में यहाँ पे लगाना है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लीजिए और ये लगा दिया आपने, कुछ भी नहीं करना आपको इसके आगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये आखिरी चीज़ है कनेक्टर, इसमें आप क्या करोगे जो आउटलेट पाइप है आपको इसमें लगानी होगी। जो आउटलेट पाइप है आपको यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, मशीन में सीधी कर देता हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग गई और यहाँ पे लगने के बाद ये जो स्क्रू हैं बस आपको ये स्क्रू इसके पीछे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देना होगा स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। बहुत आसान तरीका है, आसानी से आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ तो गाइस इसका जो इनलेट फिल्टर है इसको इसके पीछे कुछ लगाया जाता है, जैसे ये जो कैप लगी हुई है बस आपको जैसे देख रहे हो वीडियो में, आप ये कैप बस कुछ इस तरीके से निकाल लेनी होगी और बस यहाँ पे आपको इसका इनलेट फिल्टर लगा देना होगा। बहुत आसानी तरीके से लग जाता है इसका इनलेट फिल्टर, ये देखते हो कुछ आसानी तरीके से कुछ इस तरीके से लग गया इसका इनलेट फिल्टर। और इसमें जो पीछे साइड है यहाँ पे आपको पाइप लगानी है इसके पीछे और पाइप लगा करके बस इसके पीछे कुछ इस तरीके से ये लग जाएगा। जब आपको यूज़ करना हो तो इसको लगा लीजिए, जब नहीं यूज़ करना है तो इसको जो रेड वाला टैप है इसको कुछ ऐसे बैक करिए और निकाल लीजिए। बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो आप इसको, बस एक क्लिक में आपको आवाज़ आएगी, लग जाएगा बहुत आसानी। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बैग में कुछ इस तरीके से लग गया, आप देख सकते हो किस तरीके से लगा हुआ है ये। और बहुत इजी टू यूज़ है यार, बहुत आसानी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो कोई भी मामले की चीज़, खाली यही नहीं हर एक मामले में। अब आपको आगे के साइड दिखाते हैं कि जो आउटलेट पाइप है वो कैसे लगती है। हाँ तो गाइस अगर आपको आउटलेट पाइप लगाना है तो आउटलेट पाइप के लिए जैसे आप देख रहे हो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आगे मेटल का नोजल लगा हुआ है, बस आपको देखिए यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा, आपको बस इसको इसके अंदर ऐसे प्रेस करोगे और एक क्लिक की आवाज आएगी और अपने आप से वो लग जाएगा। ये देखिएगा ये इसके अंदर लगाया, आवाज आपको आई होगी, बस ये फिट हो गया और रेडी टू यूज हो गया। हाँ तो गाइस ये है कुछ अगला हिस्सा, इसको कुछ गन कर लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल सेम आवाज आएगी, ध्यान रखिएगा देखिएगा।
देखिए बिल्कुल सेम आवाज आई, एक क्लिक की आवाज आएगी और आपको खुद पता चल जाएगा हाँ ये फिट हो चुका है, अब ये निकल नहीं सकता यहाँ पे। और आपको इसको अगर निकालना है गन से तो ये आगे जो है लिखा है प्रेशर, इसको आप खाली रिलीज करिए यहाँ से और इसको बहुत आसानी तरीके से यहाँ खींच खींच के इस तरीके से कुछ लगा सकते हो और इसको ऐसे कुछ लगा सकते हो इसमें। और इसको भी निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की बटन लगी हुई है, उसको ऐसे दबाइए और इसको ऐसे खींच लीजिए और आराम से बाहर निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो। अब आइए इसको जो है आपको दिखाते हैं कार के ऊपर यूज करके किस तरीके की ये सफाई करता है, बहुत नीट एंड क्लीन सफाई करता है कार बाइक, मैंने इसको दोनों में यूज किया है। सबसे पहले हमने इसको अपनी कार के साथ यूज किया, कार के साथ यूज करके आप देख सकते हो कि इस पे हमने स्प्रे गन से इसको हम यूज कर रहे हैं और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से हमारी कार को ये साफ कर रहा है, बिल्कुल जो डीप क्लीनिंग होती है ना उस तरीके से बिल्कुल ये साफ कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको जैसे प्रेशर, ये देखिए मैं बदल भी सकता हूँ आगे पीछे करके, मैं प्रेशर बदल भी सकता हूँ, बहुत आसानी से इसका प्रेशर बदल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये देखिए प्रेशर मैं जो है बदल रहा हूँ आगे पीछे, आपको तेज करना है, आगे करना है, पीछे करना है, सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। प्रेशर के लिए आप देखोगे कि प्रेशर में क्या होता है इसमें कि काफी तेज प्रेशर देता है, इसके कारण से क्या होता है कि आपकी जो मड और गंदगी जो भी चीज इसमें चिपकी होती है टायर और में भी, आपको कहीं भी साफ करना है तो बहुत अच्छी तरीके से टायरों को भी साफ करता है, खासकर शीशे उशे में जो गंदगी चिपक जाती है, कार में जो डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, जैसे जो हर जगह मड चिपक जाती है वो साफ नहीं होती, तो वो अच्छी तरीके से साफ कर देता है। ये देख सकते हो ये शैम्पू स्प्रे हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय में, और आपने देखा होगा जैसे देखो बोतल आगे लगी हुई है शैम्पू स्प्रे की, कितने अच्छी तरीके से शैम्पू स्प्रे हो रहा है पूरी कार पे, बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर कर देता है और बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है। एक एक जगह पे आप कहीं भी इसमें शैम्पू लगा सकते हो, आगे पीछे चारों तरफ कहीं भी लगाना है, इस तरीके से आप इसमें शैम्पू का यूज भी कर सकते हो, डिटर्जेंट शैम्पू किसी भी चीज का। बाकी गाइस इसको हमने अपनी बाइक पे भी यूज किया है, बाइक पे भी बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन, खासकर बाइक में तो दिक्कत ही होती है जैसे आप कहीं पे जाते हो ऐसी जगह पे मड और लग जाता है बाइक में, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। हाँ तो गाइस कैसा लगा आपको ये अगारो कंपनी तरफ से अगारो हाई प्रेशर वॉचर, मुझे पता है आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा यार, क्योंकि यार ये कुछ है ही इतना बढ़िया। बात की जाए इसकी यार तो फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए इसकी, तो जैसे कि आपको बता दें इसकी जो प्राइसिंग लगभग आपको 7500 से लेकर के 8000 के बीच में मिल जाएगी, ये करंट टाइम की प्राइसिंग बता रहे हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती है यार समय में। और दूसरी बात बता दें इसके बारे में यार, ये सबसे बड़ी चीज़ तो यार ये जो फंक्शन है ना इसका काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, हर एक फंक्शन यार आपको मतलब आपको कार वॉश करनी है, बाइक वॉश करनी है, इंडोर में वॉश करना, सरफेस वॉश करना है, हर एक मल्टीपर्पज सिस्टम है इसमें। यही नहीं सबसे बढ़िया चीज़ लगती है यार इसके साथ जो आपको जो शैम्पू वाला बोतल मिलती है ना उससे जब आप साफ करते हो बहुत ज़्यादा क्लियर क्लीन साफ होता है, इसीलिए मुझे लगा कि इसकी वीडियो आपको बनानी चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब मैं फुली 100% इंप्रेस हुआ इससे। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बिल्कुल 100% इसको ले सकते हो और बहुत सही जो है प्राइसिंग के साथ है यार, आप मतलब कहीं भी बाहर साफ कराने जाते हो अपनी कार को 500 rupees आपको देने पड़ते हैं अगर डीप वॉशिंग कराते हो, वो चीज़ आप इसको लेके आइए, समझ लीजिए आप 7-8 बार की वॉशिंग या 10 बार की वॉशिंग बराबर ले आइए और अपने घर में लाइफ टाइम इसको यूज़ करिए। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो ये है कि आपके इसके साथ साथ 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिली, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर इसको खरीदना चाहते हो तो इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप खरीद सकते हो। साथ साथ मेरे वीडियो को यहीं पर लाइक करिए, मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।